हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज की डेट में तीन वीडियो ऑलरेडी आ गई है मैंने अभी आपसे एक प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कल की तरह एक बेहतरीन वीडियो बना के दूंगा जिस कल के दिन 24 फोर स्टॉक से रिलेटेड बातें करी थी आज 26 सिक्स स्टॉक से रिलेटेड बातें करेंगे ओके और आपके 50 स्टॉक्स देंगे 50 स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में भी जगह देंगे और दो दो तीन तीन परसेंट के हिसाब से मतलब आपके यहाँ सौ रुपए या दो रुपये या तीन रुपए इस तरीके से लगा के देंगे तो फिफ्टी स्टॉक्स में आपके पूरे कवर हो जाएंगे दो दो रुपए लगाएंगे तो इस तरीके से मतलब दो दो रुपए के शेयर नहीं है बट दो 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 रुपए का

दूसरे लोगों के पास वीडियो चली जाएगी और दूसरे लोगों के पास वीडियो जाएगी तो आपको शायद शायद पसंद पसंद आए किसी और को शायद पसंद आए, आपके काम की चीज़ से तो हम अपने सीधे यहाँ पर रिलेटेड बातें करेंगे जितने भी स्टॉक्स है सबसे सब रिलेटेड आपको हमारे चैनल पर फुल एनालिस मिल जाएगी और हर एक वीडियो को इन्वेस्ट forever करके यहाँ पर अगर आप सर्च इंजन पर जाएंगे और डालेंगे कोई भी शेयर और यहाँ पर लिख पीछे लिख देंगे invest forever तो वो पूरा हमारे चैनल की वीडियोज को आपको दिखा देगा तो आपके पास वो आ जाएगा तो एक-एक करके हम चलते हैं पर वीडियो को जरूर देख लीजिएगा आज की देखिए ये स्टॉक से 500% के रिटर्न एज वेल एज वो सारी वीडियो आई थी तो आइए एक-एक करके जानते हैं सबसे पहला आईटी स्टॉक्स से शुरुआत करेंगे जो आजकल कर चल रहा है विप्रो दमदार नतीजे और हर बार मतलब जितने भी क्वार्टर में रिजल्ट दे रहा है हमेशा अच्छे खासे रिजल्ट दे रहा है हमेशा नीचे आता है थोड़ा सा ऊपर भागता है रिजल्ट आते हैं फिर थोड़ा सा नीचे आता है फिर भागता है और हमेशा अच्छे मल्टीपैगर रिटर्न देके जाता है लास्ट पांच सौ रुपए अच्छा खासा भागा ओके फिर यहाँ पर थोड़ा सा शायद यहाँ पर कंसोलिडेट हो सकता है या थोड़ा सा गिर सकता है कभी भी बीच में और फिर जब इसके नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे तो अब ये शेयर केवल छे रुपए के आसपास का है शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पर हाँ छे रुपए के आसपास और अगली बार आपको ये सात सौ रुपए टच करता हुआ दिखाई दे सकता है साढ़े पांच सौ या सात सौ रुपए तो इसकी तरफ नजर बनाइएगा इसके अलावा सेकंड स्टॉक से रिलेटेड अगर हम बात करें तो दिग्गज स्टॉक्स

हो सकता है तो इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा बाकी टू हंड्रेड डी एक स्टडी है कि 200 हंड्रेड डीएमए के नीचे स्टॉक्स मिल जाए या फिर आर एस आई के नीचे हो। जब ये सब नी आ, आपके फेवर में हो तो शेयर को उठा लेना चाहिए तो उनमें से एक स्टॉक स्टॉक है बाकी पर चार्ट पैटर्न भी बनते हुए नजर आ रहे हैं कभी हमारी वीडियो देख लीजिएगा पीछे की तो आपको पता चल जाएगा इसके अलावा एक और शेयर कुछ दिन पहले ही यहाँ पर वीडियो बनाई थी और आपको बताया था काफी दिग्गज स्टॉक्स है ये ओके और बहुत ज्यादा लगभग तीस के आसपास करेक्ट हो चुका है ले लीजिए और यहाँ पर ये जो इसके टारगेट है जो रिसेंट टारगेट है तीस तक के वो तो आएंगे

उसके बाद शेयर देखिए थोड़ा सा करेक्ट होता हुआ नजर आया लगभग पंद्रह से बीस रुपए बट कोई इशू नहीं है एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है और ये शेयर मुझे दोबारा भागता हुआ दिखाई दे रहा है आज के दिन भी तीन चार परसेंट भागा है और ये दोबारा भागेगा ओके इसके फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं परफॉर्मर पर्फो, पर्फो, है ये तो इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा इसके अलावा एक और शेयर लोग बात नहीं करते इससे रिलेटेड पैनी स्टॉक्स कह सकते हो इसे ओके पचास रुपए से भी कम का स्टॉक छत्तीस रुपए का स्टॉक है इसी भाई भाव पे चल रहा है जब भी आता है तभी भागता है और इस बार के जो रिजल्ट है माइंड ब्लोइंग रिजल्ट है अच्छे खासे रिजल्ट है और यहाँ पर अच्छा खासा चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है रिवर्स हेड एंड शोल्डर यहाँ पर जिससे रिलेटेड एक वीडियो दोबारा बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा बाकी इसकी तरफ नजर बनाइएगा इसके अलावा एक और स्टॉक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूनियन बैंक की अगर बात करें हमने यहाँ पर इसे बताया था

देखे थे तो उसके बाद यहाँ पर देखे तो अच्छा खासा आज के दिन में ही भागा है और और भागता हुआ दिखाई दे सकता है है सब चीज़ फेवरेबल तो के आसपास आके यहाँ पर भागने की कोशिश कर रहा है और अच्छे खासे इसके रिजल्ट हैं यहां पर भी चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है तो इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा इससे रिलेटेड भी अलग वीडियो हम बनाएंगे आ, इसके अलावा एक और बैंक इंडियन बैंक तीन आपको पी बैंक बता दिए यहां पर देखिए इसके आए थे okay, दिग्ग, दिग्ग, जो वैल्यू केन वन परसेंट वन टू फोर परसेंट तो ये इसके अलग अलग टारगेट है जो की धीरे धीरे करके अचीव हो सकते हैं कोई भी इसमें वो नहीं है कि ये अचीव नहीं होंगे तो इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा ओके इसके अलावा हम एक और स्टॉक से रिलेटेड बात करते हैं उज्जीवन फिन लिमिटेड इसकी उज्जीवन फाइनेंस सर्विसेज तो अगर हम बात करें इसकी तो इस शेयर की तरफ ध्यान दीजिएगा ये शेयर भी आपको कभी भागते हुआ दिखाई दे सकता है क्योंकि इसमें रिवर्स मर्जर की न्यूजें आ रही है मतलब उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक इसे मर्ज कर सकता है अपने पास और इसे एक बार मर्ज करेगा तो इसकी जो वैल्यू आ रही है बहुत बेहतरीन आ रही है तीन से जाके ज्यादा भागता हुआ दिखाई दे रहा है और बाकी अगर हम बात करें यहाँ पर भी एक चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है तो इस शेयर की तरफ ध्यान दीजिए ऑल टाइम हाई भी देखें तो ऑल टाइम हाई यहाँ पर ही है

पहले भी वीडियो बनाई थी ओके इस बार के रिजल्ट थोड़े बेकार आए क्यों आए उसके पीछे का सिंपल सा रीजन है कि इस वजह से बेकार आए क्योंकि ऑलरेडी ये एक तो सीजनल स्टॉक्स है ओके okay, और अगर हम बात करें बीच में इस इतने लॉकडाउन लगे हैं कि इसकी वजह से इसके जो प्रीवियस इसने जो रिजल्ट पेश करे थे हाईएस्ट एवर उससे उससे मुताबिक बहुत बेकार रिजल्ट है क्वार्टरली ईयरली बेस पे इसलिए शेयर गिरता हुआ नजर आ रहा है बट शेयर बहुत दमदार है ये एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है तो इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा बहुत तो अच्छे प्राइस पर अभी मिल रहा है अभी अगर लॉन्ग टर्म का विजन हो तो इस शेयर की तरफ नजरें बना के रख सकते हैं जिसे लॉन्ग टर्म खेलना आता है इसके अलावा कुछ टाइम पहले दोबारा

हमारे हमने यहाँ पर पकड़ा था और आप देखिए अभी भी चार्ट पैटर्न बना हुआ है और यहाँ पर बताया था कि ये कभी भी ऊपर जा सकता है अच्छा खासा भागता हुआ दिखाई दिया तो इस तरीके से स्टडी करते हैं तो ये भाग बनते हुए दिखाई देते हैं चार्ट पैटर्न और भागेंगे बट गैब्रियल को अभी नहीं बता रहा सुब्रोस का एग्जाम्पल दिया है बस इसके अलावा एक और शेयर सोना बी एल बी डब्ल्यू एल तो एक मिनट यहाँ पर बी एल डब्ल्यू अगर बात करें ये स्टॉक काफी बेहतरीन स्टॉक्स है ऑलरेडी तीन चार दिन पहले इसके शायद कल बनाई या परसों वीडियो बनाई थी काफी बेहतरीन देखिए आज भी भागता हुआ दिखाई दिया यहाँ पर एक अच्छा खासा चार्ट पैटर्न बनता हुआ भी नजर आ रहा है ये शेयर का डबल जब तक डबल ना हो तब तक पैसे निकालने की जरूरत नहीं है और जब ये रोलेक्स वाला ये शेयर जब लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा उस दिन और भागता हुआ दिखाई देगा इसके अलावा एक और दिग्गज ब्रोकिंग फॉर्म से रिलेटेड हम बातें करेंगे ग्लोबल एस ग्लोबल ऑलरेडी यहाँ पर हमने लास्ट टाइम जिक्र किया था कि इस तरीके का चार्ट पैटर्न बन रहा है यहाँ पर पकड़ा था स्टॉक को यहाँ पर भगता हुआ दिखाई दिया फिर गिरावट हो रही है अब दोबारा एक चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है जो कि ये बन बन रहा है ये कब बन रहा है यहाँ पर से एक हैंडल बनेगा फिर उसके बाद जो इसके टारगेट आएंगे अच्छे खासे टारगेट आएंगे आपके पैसे को तो ये डबल दव, दव, तो करेगा ही करेगा और इसमें अभी डी मर्ज हुआ है तो ये और ऊपर जा सकता है इस शेयर की कोई कीमत नहीं है इसके टारगेट से रिलेटेड बातें नहीं करेंगे इसे केवल अपने पोर्टफोलियो में रखना है एस ग्लोबल अभी डी मर्ज हुआ है अच्छा खासा स्टॉक जाना माना स्टॉक इसके पांच सौ परसेंट के रिटर्न है तो यह भी आपके पैसे को डबल एटलीस्ट कर सकता है इसकी तरफ दीजिएगा न्यूलिस्टिंग है इसके अलावा एक और ब्रोकिंग फॉर्म से रिलेटेड बात करेंगे ओके okay, कुछ दिन पहले यहाँ पर वीडियो बनाई थी और जब वीडियो बनाई थी अच्छा खासा यहाँ पर शेयर उसके बाद भागता भी दिखाई दिया थोड़े से रिजल्ट में थोड़ा सा उन्नीस बीस का अंतर था ओके okay, बट फिर भी अगर बात करूँ मैं इसका कंसिस्टेंट परफॉर्मर है इसी तरीके के शेयर कब पाँच के पाँच हजार पे चले जाते हैं पता नहीं चलती तो इस शेयर की तरफ नजर बनाइएगा मेरे पोर्टफोलियो में ये शेयर है इसके अलावा बात करते हैं और एक और स्टॉक से रिलेटेड तो आई आई कार्ड्स इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर इस यहाँ पर पकड़ के आपको दिया था ये स्टॉक और बताया था इस शेयर को खरीदिए आज के दिन में देखिए अच्छा खासा पाँच छह परसेंट ऑलरेडी भाग लिया है ओके अभी थोड़े कंसोलिडेट कर रहे हैं शायद फिफ्टी डीएम पे शायद कंसोलिडेट करेगा उसके वो भाग बाद भागेगा और यहाँ पर कब विद्रल पैटर्न बनता है इससे रिलेटेड भी एक वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर बनी हुई है इस वीडियो को भी डाके देख लीजिए इसके अलावा एक पेपर का स्टॉक मैं आपको बताना चाहता हूँ साटिया इंडस्ट्री अगर बात करें यहाँ पर लगभग नहीं सॉरी यहां पर नाइन्टी रुपीज नाइन्टी टू पर हमने यहां पर पकड़ा था आज के दिन में यहां पर अगर बात करें एक सौ सत्रह पे गया था उसके बाद गिरा फिर यहां पर कंसोलिडेट कर रहा है फिफ्टी डीएमए के आसपास सॉरी फिफ्टी डीएमए नहीं उससे ऊपर ही कंसोलिडेट कर रहा है और कभी भी यहां से भाग सकता है तो इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा मेरे पोर्टफोलियो में दिग्गज शेयर है ऑलरेडी अच्छे खासे रिटर्न है और भी इसके जो टारगेट आ रहे थे देखिए अभी भी बने हुए हैं इसके टारगेट ये आपका पैसा दुगना कर रहा था वन सिक्सटी फाइव का मतलब अच्छे खासे अस्सी परसेंट तक के रिटर्न आ रहे थे तो इसकी तरफ इससे रिलेटेड भी ऑलरेडी फुल वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी आरईसी सॉरी uh, एक मिनट आरईसी लिमिटेड इस शेयर को भी देख लीजिए यहाँ पर अगर बन रहा होगा चार्ट पैटर्न आ हाँ देखिए इसमें भी बन रहा है तो ये भी चार्ट पैटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं और अच्छे खासे फोर्टी नाइन परसेंट प्लस सिक्सटी नाइन परसेंट के रिटर्न मिल रहे हैं और यहाँ पर ही आपको बताया था ये शेयर आज के दिन में भी चार पांच परसेंट भागता हुआ दिखाई दिया है और ये शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं बड़े कम पी पे ये शेयर मिल रहे हो दिग्गज कंपनी है इसके अलावा कुछ दिन पहले ही आपको यहाँ पर एक शेयर और बताया था ओके उसके बाद काफी ये गिरा भी था और अब सॉरी इसी प्राइस पर बताया था इसी प्राइस पर कंसोलिडेट हुआ और अगर डेली के

यहाँ पर इसे शेयर का नाम लिख सकते हैं इसके अलावा एक और दिग्गज शेयर एन एम डी सी सेम जब आर ई सी की वीडियो बनाई थी यह भी बताया था इसके बाद आज के दिन लगभग चार पाँच परसेंट यह भागता हुआ दिखाई दे रहा है इसके भी इसी तरीके से चार्ट पैटर्न बन रहे थे और इसी तरीके से इसके रिजल्ट आ रहे थे और अच्छे खासे यहाँ पर टारगेट आ रहे थे बट इतने टारगेट नहीं बट इतना तो टारगेट इसका एटलीस्ट अचीव हो सकता है लगभग आपके पैसे साठ सत्तर परसेंट यहाँ पर बढ़ा सकता है इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा इसके अलावा एक और दिग्गज शेयर नजारा इससे रिलेटेड भी यहाँ पर हमने खरीदा था जब यहाँ पर नीचे आया था बताया है, है, है अभी भी यहाँ पर नीचे डाउन मिल रहा है शेयर हुँ. मैं तो इसे तीन हजार के लेवल तक यहाँ पर पकड़ के रखू क्योंकि जो भी नए आईपीओ आ रहे हैं एक बार गिरने के बाद जब भागना शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके पैसे को डबल कर रहे हैं तो नजारा की तरफ ध्यान दे सकते हैं यहाँ पर इसके रिजल्ट भी आने वाले इसके अलावा एक और न्यू लिस्टिंग एमटार एमटार में तो हमने दो दो बार यहाँ पर पैसा कमाते कमाया है यहाँ पर जब ये शेयर यहाँ पर गिरा था, था हमने पर खरीदा था तब पर 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 हमने बेच बेच दिया था, पर गिरा था, पर खरीदा। बेच दिया था था फिर फिर गिरा खरीदा अभी दोबारा मैंने पर शुरू कर दिया इसे उठाना क्योंकि इसके रिजल्ट आने वाले हैं और बेहतरीन रिजल्ट आए या ना आए ये शेयर आपके पैसे जो नौ सौ रुपए का यहाँ पर है आठ सौ रुपए का है सोलह सौ रुपए तक जाता हुआ कम से कम पैसा बनाते हुए दिखाई देगा तो यहाँ पर पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है लॉन्ग टर्म अभी नहीं जब एक दो क्वार्टर के अच्छे खास रिजल्ट दे दे तो उसके

ओके okay, लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज लोगों ने तो नहीं एक बंदे ने क्रिटिसाइज किया था जब इसे वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि ये भाई ये शेयर फिफ्टी डी एम के आसपास आके बार बार भाग रहा है बार बार भाग रहा है आप इस शेयर को अपने पो, पोर्टफोलियो में रख सकते हैं दो के आसपास मैंने यहाँ पर लिया था आज की डेट की बात करें तो दो पे चल रहा है दो के आसपास यहाँ पर जाके आया है और ये अभी यहाँ पर रुकने नहीं वाला है क्योंकि बेहतरीन यहाँ पर रिजल्ट पेश कर रहा है ओके और जब तक रिजल्ट अच्छे खासे पेश करते रहेगा कोई भी कंपनी बेचने की

लाइक से कुछ नहीं जाना आपको बस एक बटन क्लिक करना है दूसरे कोई दूसरे लोग की हेल्प हो जाएगी और अच्छा खासा पैसा वो कमा सकते हैं थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस